गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न विंटर हॉल। और इस विंटर हॉल में मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ शॉल्स जो मैंने स्पेशली विंटर सीजन के लिए अमेज़न से परचेज किया है। सो इसमें अफोर्डेबल शॉल्स भी है और थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस के है, जैसे 500-600 रुपीज़ के शॉल्स भी है। उससे ज़्यादा प्राइस के शॉल्स मैंने इस बार परचेज नहीं किया है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अफोर्डेबल वीडियो है। मेक श्योर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन सारे शॉल्स की इंडिविजुअल परचेजिंग लिंक्स भी प्रोवाइड किया है, या फिर आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने एक माई हॉल स्टोर का लिंक प्रोवाइड किया है, जहाँ पर क्लिक करके आप इन सारे शॉल्स को एक साथ उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो अलग अलग से परचेज भी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉल है वो ये बाटिक का शॉल है जो ब्लू कलर में है। एंड इस तरीके के शॉल्स अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी कभार गर्मी भी लग रही है, कभी कभार ठंडी भी लग रही है, या फिर डे टाइम में, विंटर सीजन के डे टाइम में आप इस तरीके के शॉल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समर शॉल्स है एक्चुअली। अगर समर के टाइम भी एसी में आपको थोड़ा सा ठंड लगता है तो उसके लिए ये शॉल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और काफ़ी लुक भी अच्छा आता है इन शॉल्स में। तो इसके कई सारे कलर ऑप्शंस भी है जो आप चेक कर सकते हैं अमेज़न पे। बट इसकी जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, क्यों मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पर बाटिक के काफ़ी सारे शॉल्स मिलते हैं गुड क्वालिटी। उस तरीके का इसका क्वालिटी नहीं है, बट हाँ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वालिटी ठीक ठाक है। उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है बट ज़्यादा लो भी नहीं है, काम चलाऊ टाइप्स है। एंड ये 2 मीटर का है, सो लेंथ विथ काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो विड्थ है वो उतना ज़्यादा नहीं है या उतना कम भी नहीं है। मतलब आप इसे एज अ स्टोल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज अ फुल शॉल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इन बिटवीन है इसका लेंथ, बट ये बहुत ही ज़्यादा कोजी एंड काफ़ी वार्म टाइप्स है जो आप समर सीजन में भी या विंटर सीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक इस तरीके के शॉल्स आप सभी को एक तो घर में रखना ही है क्योंकि फिर समर्स में भी ये काम आ जाते हैं और विंटर सीजन में भी ये काम आ जाते हैं एंड काफ़ी स्टाइलिश भी दिखता है। नेक्स्ट मैंने एकदम विंटर सीजन के लिए परफेक्ट एक शॉल परचेज किया है। उसके साथ ये एक खूबसूरत सा कार्ड भी दिया है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये है SWI विथ लेबल। सो आई थिंक ये जो शॉल है ना, ये बेस्ट बाय है फ्रॉम अमेज़न आई वुड से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है, कोजी है और ये आप हल्का फुल्का विंटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एकदम जब बहुत ज़्यादा दिसंबर या जनवरी मंथ में बहुत ठंडा होता है ना, उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं तो उस टाइम के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ये जो शॉल है ना, इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट हाँ, इसके कलर ऑप्शंस ब्राइट कलर्स में नहीं थे, ये ग्रे, ये डार्क ग्रे कलर है, उसमें लाइट ग्रे भी था, डार्क ग्रे था, तो इस तरीके के ग्रेइश काइंड ऑफ कलर्स है, थोड़ा सा डल कलर्स है। बट इसमें एक खूबसूरत सा यंग टच देने के लिए बॉर्डर्स में कितने खूबसूरत से डिज़ाइन से रेड एंड ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट में, तो इस डिज़ाइन की वजह से इसमें एक बोहो लुक आया है। तो आई लव्ड दिस शॉल। पहले मुझे लगा मैं अपने मम्मी के लिए इसे लेती हूँ, लेकिन जब ये आया ना तब मुझे ही इतना पसंद आ गया, देन आई थॉट लेट मी ओनली कीप दिस। इसे आप किसी भी ब्लैक आउटफिट के साथ विथ सिल्वर जंक ज्वेलरीज आप इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा एंड काफ़ी वार्म भी है। नेक्स्ट जो शॉल है दैट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट शॉल है, इसके जैसा गर्म नहीं है। ये आप डे टाइम में वेयर कर सकते हैं, आप नाइट टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, स्वेटर के ऊपर आप इसे डाल सकते हैं। सो ये एज अ स्टोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वो स्टोल की तरह नहीं है, प्रॉपर शॉल की तरह ही 2 मीटर का लेंथ है एंड विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें छोटे छोटे इस तरीके के ग्रीन डिज़ाइंस है डॉट डॉट करके, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड बॉर्डर में भी येलो वर्क दिया गया है, बट इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल है क्योंकि एकदम ग्लॉसी टच आप लोग देख सकते हैं, शायद थोड़ा सा ग्लॉसी है एंड जो ब्राइट रेड कलर है, तो आई लव द कलर एंड आई लव द फैब्रिक ऑल्सो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना शॉल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जब भी समर सीजन में हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं वाया
ट्रेन या फिर फ्लाइट से तो एसी में इतना ठंड लगता है, सो आई ऑलवेज कैरी विथ मी शॉल्स. तो इस तरीके के शॉल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है एंड काफ़ी तरीके से आप इसे जीन्स के साथ, ड्रेस के साथ या फिर जंप सूट्स के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं. सो एयरपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, किसी भी सीज़न के लिए इस तरीके के शॉल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी लगेंगे एंड यूज़फुल भी है. नेक्स्ट मैंने ये परचेज़ किया है विच आई रिग्रेट बाइंग आई वुड से, क्योंकि ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. इसकी जो क्वालिटी है तो उतना ज़्यादा वॉर्म नहीं है और ये थोड़ा सा मुझे सिंथेटिक टाइप्स लग रहा है क्योंकि, और ये स्टोल टाइप्स है. इसका लेंथ एंड विड्थ बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं इतना सा जस्ट इसका विड्थ है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टोल. बट इसका मटीरियल बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा सिंथेटिक काइंड ऑफ मटीरियल है. बट ये टू वे है, मतलब आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरीके से, मतलब बोथ साइड ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बट इसका जो मटीरियल है वो आप अगर इसे एज अ शॉल वेयर कर रहे हैं ना, पूरा एकदम चादर की तरह ओढ़ के, तो ये नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा सिंथेटिक मटीरियल है, उतना ज़्यादा बॉडी हगिंग इसका मटीरियल नहीं है. सो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड ये आप किसी भी तरीके से वेयर कर सकते हैं. बट इसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, दैट्स द ओनली रीज़न. अदरवाइज लुक वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये सब शॉल्स ही मैंने इस बार अमेज़न से शॉपिंग की है, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं कई सारे और भी विंटर रिलेटेड हॉल्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि स्वेट शर्ट्स या फिर हुडीज या जैकेट्स कौन सा आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट. शॉल्स बेसिकली मेन, वुमेन एंड इनफैक्ट किसी भी एज ग्रुप के लिए परफेक्ट रहता है. इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट ऑप्शन एज वेल ड्यूरिंग विंटर्स. दैट्स वाई मुझे लगा पहले शॉल्स से ही स्टार्ट करती हूँ. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.